तारीख थी सितंबर 7, 1996। जगह थी लास वेगास, निवाड़ा। एक ब्लैक BMW पे अंधाधुन गोली चलती है और एक लेजेंडरी आर्टिस्ट को हम खो देते हैं जिनका नाम है टूपाक। इतिहास दोबारा दोहराया, लेकिन इस बार जगह थी मानसा विलेज, पंजाब। तारीख थी 29 मई 2022। एक ब्लैक थार पे अंधाधुन गोली चलती है एंड फिर से एक लेजेंडरी आर्टिस्ट को हम खो देते हैं जो है सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू एक बहुत ही टैलेंटेड एंड वाइब्रेंट आर्टिस्ट थे और इनकी डेथ केवल पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए ही लॉस नहीं है बल्कि इंडिया से लेके इंटरनेशनल म्यूजिक सीन में तक इम्पैक्ट पड़ा है। हम सब जानते हैं सिद्धू मूसेवाला टूपाक शाकूर को कितना एडमायर करते थे एंड अब सैडली डेथ भी टूपाक जैसी ही उनके नसीब में लिखी थी। सिद्धू मूसेवाला ने अपनी डेथ ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था अपने लेटेस्ट सॉन्ग लास्ट राइड में। इवन इस सॉन्ग के जो पोस्टर में इमेज यूज हुआ है वो टूपाक के कार का ही था जिसमें टूपाक को गोली मारी गई थी। सिद्धू एक ट्रू गैंगस्टर थे जिन्होंने सिर्फ गानों में ही नहीं थग लाइफ जिया बल्कि असल जिंदगी में भी वो अपने असूलों के पक्के थे। एक मिडिल क्लास बंदा जिसने अपने गांव का नाम पूरी दुनिया में फेमस किया, उससे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है आज हम समझेंगे। ये एक ट्रिब्यूट वीडियो है सिद्धू मूसेवाला के लिए एंड अगर आप लोग उनकी बायोग्राफी जानना चाहते हो तो उस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। करंट रिपोर्ट्स के अनुसार सिद्धू मूसेवाला की मौत गैंग वार से रिलेटेड है और इवन जब सिद्धू मूसेवाला को राइवल गैंग से थ्रेट्स आते थे तो उनका जवाब यही होता था कि कर लो जो करना है, मैं भी अपनी बंदूक लोडेड रखता हूँ। मैं पर्सनली सिद्धू मूसेवाला का बहुत बड़ा फैन हूँ और स्पॉटिफाई पे हर साल टॉप प्लेलिस्ट में सिद्धू मूसेवाला हमेशा रहते थे। वेल, ये बहुत ही सैड न्यूज है मेरे जैसे कई और यूथ्स के लिए। खोस हम सिद्धू फैंस को पता है उनकी वैल्यू क्या थी। मीडिया में बस ये बता रहे कि एक पॉलिटिशियन की डेथ हुई है लेकिन उनकी आर्ट, पॉलिटिक्स, मीडिया डिबेट्स सबसे काफी ऊपर था। इस वीडियो में हम टूपाक और सिद्धू मूसेवाला की लाइफ कंपेयर करेंगे और डेथ के अलावा इन दोनों आर्टिस्टों में क्या कॉमन था आगे मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। सिद्धू मूसेवाला जिनका असली नाम है शुभदीप सिंह सिद्धू, इनका जन्म हुआ था 11 जून 1993 मूसा विलेज पंजाब में। सिद्धू मूसेवाला एक सिंगर के साथ साथ सॉन्ग राइटर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और एक्टर भी थे एंड हाल ही में उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था। 2022 के पंजाब इलेक्शन में वो मानसा से इलेक्शन भी लड़े थे लेकिन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विजय सिंगला से वो हार गए थे इलेक्शन। बट सिद्धू की पॉपुलैरिटी नेक्स्ट लेवल थी एंड काफी रेस्पेक्ट था उनका अपने विलेज मूसा में। लेकिन जिस टाइप का फेम और शोहरत मिल रहा था उन्हें, उनके दुश्मन भी वैसे वैसे उनके लाइफ में आते जा रहे थे। उन्होंने अपने कई गानों में इस चीज का जिक्र भी किया है और वो कभी भी किसी के सामने नहीं झुके हैं। जो सिद्धू मूसेवाले के म्यूजिक से फेमिलियर है उन्हें पता है कि सिद्धू टूपाक के सिद्धांतों को कितना एडमायर करते हैं और उनके कई गानों में टूपाक के सैंपल्स भी यूज हुए हैं। सिद्धू के ट्रैक लाइफस्टाइल में भी एक लाइन है, वी लिव बाय द गन एंड वी डाई बाय द गन, मींस मैं बंदूक के साथ जिया हूं और बंदूक से मरूंगा और अनफॉर्चुनेटली ये बातें सच हो गई। मुझे लगता था कि सिद्धू को कोई हेट नहीं मिलता, खोस वो बंदे ने किसी का भी बुरा नहीं किया है एज सच, लेकिन उनके डेथ के बाद मुझे उनके काफी हेटर्स दिखे और इवन बहुत ही गंदे गंदे मीम्स भी शेयर किए जा रहे थे सिद्धू मूसेवाला के ऊपर। ऐसे पेजेस को अवेयर रहना चाहिए कि एटलीस्ट किसी की डेथ का मजाक तो ना बनाए। सिद्धू मूसेवाले का कॉन्ट्रीब्यूशन ऐसे सिंगर ही नहीं, उन्होंने अपनी सोसाइटी के लिए भी काफी कुछ किया है और उन्होंने इवन फार्मर प्रोटेस्ट वगैरह में खुल के आगे आए हैं। जा रहे ने केड़ा है बिल है अज तो तकरीबन 60 साल पहला जो अपना देश आजाद भी नहीं होया सी उदो अपना खेती सिस्टम कुछ एहो जिहा हुंदा सी वी जे मैं आड़तियां जां शाहूकार आ मैं किसे तो पैसे लेने ने। सिद्धू मूसेवाला पे एम्स एक्ट का केस भी लगा था कुछ टाइम पहले एंड अभी जो मीडिया सिद्धू मूसेवाला के लिए सिंपत्ति ले रही है ऑडियंस से, यही मीडिया वाले सिद्धू को क्रिमिनल करार कर रहे थे तब। तो अब बात करते हैं जो गन शूटिंग हुई है उस पे। जैसे सिद्धू मूसेवाला और टूपाक पे गोली चली है वैसे ही एक और आर्टिस्ट पर भी कार में ही गोली चली थी 2018 में और वो थे XXXTentacion जिन्हें सेम वे में ही गोली मारी गई थी गाड़ी रोक के। इन तीनों इंसिडेंट्स में एक चीज कॉमन है और वो है कि सिद्धू
वाला टूपाक और XXXTentacion, तीनों को जब गोली मारी गई थी तो उनके साथ उनकी सिक्योरिटी टीम नहीं थी। XXXTentacion की सिक्योरिटी के बारे में 6ix9ine ने बहुत ही सही सवाल पॉइंट आउट किया था। XXX is walking around with $50,000 in a duffel bag. No security. No security. Tries to buy a bike, gets killed. Right? He writes me June 16th saying, be safe, okay? ? Don't let your guard down. Next day he dies, right? Every comment was where was his security. 6ix9ine has. और अब मेन सवाल ये है कि इन आर्टिस्टों के पास सिक्योरिटी नहीं है उस वक्त हमला करने वाले को कैसे पता लगता है? तो इसका जवाब यही है कि कोई अपना ही बंदा स्निच कर देता है। सो इसलिए ही सिद्धू मूसेवाला और टूपाक वगैरह अपने गानों में दुश्मनों से ज्यादा अपनों से सतर्क रहने के लिए कहते थे। करंटली एक कॉन्स्पिरेसी भी सामने आई है कि सिद्धू मूसेवाले का एक सॉन्ग है 295 और उनकी डेथ हुई है 29/5 को, तो क्या सिद्धू किसी चीज की ओर इशारा कर रहे थे? एंड ऊपर से उनका सेकेंड लास्ट सॉन्ग का नाम था द लास्ट राइड, मीन्स एक आखिरी शेर। अब बात किया जाए टूपाक के बारे में, तो पाक भी बहुत ही बुरे हालातों से उठ के आए थे। इवन पाक जेल में थे तो उनके लेबल ने तक उनकी बेल नहीं करवाई थी, देन शूग नाइट निकाल के लाए थे उनको बेल पे। उसके बाद डेथ रो के साथ मिलके पाक ने अलग ही आग लगा रखी थी और रैप हिस्ट्री की सबसे बड़ी जंग स्टार्ट कर दी थी, जो था वेस्ट साइड वर्सेस ईस्ट साइड। बिगी और PDD वगैरह ईस्ट साइड से थे और ज्यादातर अपने सिक्योरिटीज में क्रिप गैंग के ही बंदे रखते थे, एंड टूपाक डेथ रो में आने के बाद मॉब पायरू ब्लड गैंग ज्यादा कनेक्टेड थे। सो टेक्निकली ईस्ट साइड वर्सेस वेस्ट साइड वाली लड़ाई के साथ ही गैंग वार भी था, जो काफी डेंजरस रहता है। September 7th, 1996 को जब टूपाक लास वेगस में थे तो ओरलैंडो एंडरसन, जो कि एक क्रिप गैंग मेंबर है, उनसे भिड़ गए थे डेथ रो की एक चेन को लेके। एंड देन कहा जाता है कि इसके बदले में ही उन्होंने उसी रात टूपाक के कार पे गोली चलाई थी अंधाधुन, और सिद्धू मूसेवाला के केस में भी सेम ऐसे ही गाड़ी पे गोली चली थी। 29 मई को जब वो अपनी थार से जा रहे थे तो कुछ गाड़ियों ने उनका पीछा किया एंड उनकी गाड़ी के आगे गाड़ी लगाकर हैवी फायरिंग करना चालू कर दिया। इवन सिद्धू मूसेवाला को अपनी सेफ्टी के लिए एक चांस भी नहीं मिला। ऑल ऑफ ए सडन ही हुआ सब, एंड उनके साथ दो और होमीज थे उनके, जिनमें से एक को मामूली चोटें आई है और एक की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। इस इंसिडेंट के एक दिन पहले ही सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी कम करी थी गवर्नमेंट ने। उनके पास 4 कमांडोज थे सिक्योरिटी के लिए, लेकिन वो घटाकर 2 ही कर दी थी। बट सिद्धू मूसेवाला उन 2 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को साथ लेके नहीं गए थे उस टाइम, और करेक्ट उसी टाइम पे हमला भी हुआ। तो इससे आप समझ सकते हो कि ये एक सोची समझी साजिश थी उनके आसपास में ही किसी की। इवन सिद्धू मूसेवाला के पास एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिद्धू वो लेके नहीं गए थे। सो अब आप दोनों आर्टिस्ट के डेथ के बीच सिमिलैरिटी समझ गए होंगे, और दोनों के पास ही तब सिक्योरिटीज अवेलेबल नहीं थी और उन्हें रिएक्ट करने का तक टाइम नहीं मिला था इससे पहले हमला हो गया था। और दोनों ही आर्टिस्टों की जान गैंग वार में गई है। एक साइड जहां पे ऑरलैंडो एंडरसन और क्रिप गैंग पे एलिगेशंस है, वहीं सिद्धू मूसेवाला की डेथ की जिम्मेदारी कनाडा बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी ब्रार एंड बाकी गैंग्स ने ली है, और ये एक पोस्ट आई है इसी रिगार्डिंग, आप पढ़ सकते हो। फिलहाल जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती हम इस रीजन के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। जैसे मैंने बताया था शुरू में, टूपाक और सिद्धू मूसेवाला के बीच डेथ सर्कमस्टेंसेस के अलावा भी एक और मेन चीज कॉमन है, वो ये है कि ये दोनों केवल आर्टिस्ट नहीं थे, ये दोनों एक यूथ मूवमेंट थे एंड गलत को गलत एंड सही को सही बोलने की हिम्मत रखते थे। तो सी पॉलिटिक्स नु बदलन दी सिस्टम नु बदलन दी गल कर देओ जी, लेकिन जदों गायकी ते असी कहने है कि डाकू वाला गैंगस्टर वाला कल्चर छड़ना है, फिर तुसी बदलन नु तैयार नहीं हो, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? डबल स्टैंडर्ड नहीं, मैं तुम दसदा जेडे गाने दी तुसी मेनू गल कर रहे हो ना, ये गाने जदों मैं गाए सी ना, तां एक दुनिया दा आर्टिस्ट है, एक हिप हॉप दा आर्टिस्ट है ड्रेक, 100 मिलियन फॉलोअर है ओदे, ओह इंडिया दे विच सिर्फ 2-3 बंदियां नु फॉलो करदा, एक सुनील शेट्टी दी बेटी नु फॉलो करदा, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਿਆ UK ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰਸ ਕੱਢੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਐਸ ਓਬੀਐਸ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਪਾਕ ਕੋ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਥੇ, ਆਪ ਟੂਪਾਕ ਕਹਿੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੋਨੋਂ ਕਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੇ ਲੀਏ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਏਕ ਹੀ ਥਾ। ਯਹੀ ਸਭ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਯੇ ਦੋਨੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਗੋ ਕੀ ਆਂਖੋਂ ਮੇਂ ਕਨੈਕਟੇ ਥੇ। ਵੈਲ ਐਸ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਹਮ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕ ਪਾਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ
दोनों को ही हम गोट्स बोल सकते हैं। अब इतना बड़ा कांड हो गया है तो अब इसके एफ्टरमैथ के बारे में देखते हैं। सिद्धू के होमीज चुप नहीं रहेंगे इसके लिए और यहां से एक बहुत बड़ी गैंग वार चालू होने की गुंजाइश है। पंजाब के सीएम से लेकर राहुल गांधी और बड़े बड़े नेताओं ने अपना दुख जाहिर किया है सिद्धू मूसेवाला की डेथ पे, एंड पंजाब पुलिस फुल फोर्स में इसकी तहकीकात पे लगी है और वो कार भी बरामद की गई है जो सिद्धू मूसेवाला के शूट आउट के दौरान यूज की गई थी। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द सिद्धू मूसेवाला को जस्टिस मिल जाए। सिर्फ इंडियन आर्टिस्टों ने ही नहीं, कई सारे इंटरनेशनल आर्टिस्टों ने भी शोक जताया है, जैसे ड्रेक, नैव, मिस्टर कपून, रस एंड और भी कई सारे आर्टिस्ट। और डेथ के बाद सब लोग आर्टिस्ट को प्रेस करते हैं और जीते जी कोई उसके साथ खड़ा नहीं होता। इसका बिगेस्ट एग्जांपल ये है कि कल रात से अभी तक सिद्धू मूसेवाला के इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स बढ़ गए हैं। यही गेम है इस दुनिया का कि कोई जब होता है तो उसकी कदर नहीं की जाती। बहुत ही सैड मंथ है ये हिप हॉप के लिए, लिल किड से लेके अब सिद्धू मूसेवाला जैसे आर्टिस्ट हमें छोड़ के चले गए हैं। आई होप जल्द से जल्द सिद्धू मूसेवाला को जस्टिस मिले। और यूजुअली लोग आरआईपी सिद्धू मूसेवाला स्टेटस लगा के दो दिन बाद भूल जाएंगे, लेकिन उनकी माँ पे क्या बीत रही होगी, उनके फैमिली पे क्या बीत रही होगी। दुआ करता हूँ सबको रब संभाले और इस दुख की घड़ी को झेलने की क्षमता दे। सिद्धू भले ही हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके म्यूजिक के थ्रू वो हम सब में जिएंगे एंड पंजाबी आर्टिस्ट की लिस्ट में इनका नाम हमेशा के लिए दर्ज रहेगा हम फैंस के दिलों में। आज कोई शाउट आउट नहीं है, ना ही कोई इंटरनेशनल हिप हॉप का अपडेट दूंगा। दिस इज ए ट्रिब्यूट टू सिद्धू मूसेवाला एंड टूपाक शाकुर, मे देयर सोल रेस्ट इन पीस। इसी के साथ आज की वीडियो यही खत्म होती है। अगर कुछ क्वेश्चंस या कंसर्न हो या मुझे इस डेथ के रिगार्डिंग कुछ बताना हो तो इंस्टाग्राम पे जुड़ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर।